व्यूअर्स, हम में से बहुत सारे लोगों का एक कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन है फियर एंड फोबिया को लेकर। हम सोचते हैं कि फियर एंड फोबिया सेम थिंग है। तो मैंने सोचा साइकोलॉजी के इस टॉपिक के ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। टेक्निकली समझा जाए तो फियर एक रेशनल बिहेवियर है। फियर की शुरुआत किसी भी घटना से हो सकती है, जैसे कि कोई अगर बचपन पे टीवी पे किसी एनिमल को किसी पे अटैक करते हुए देखा है तो उसके अंदर बचपन से उस एनिमल के लिए फियर का जन्म हो सकता है। कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे कि दो दोस्त एक साथ घूमने को निकले हैं, अचानक किसी एक दोस्त को कुत्ते ने काट लिया। अभी वो देख के दूसरा दोस्त को कुत्ते के ऊपर फियर क्रिएट हो सकता है। एक्चुअली देखा जाए दोस्तों, फियर हम लोगों को कुछ कुछ एंगल से बचाने का काम भी करता है। जैसे कि मेरा लास्ट वाला एग्जाम्पल पे वो दूसरा दोस्त आगे से खुद को कुत्ते से हमेशा बचा के रखेगा। सो फियर इज वेरी मच रेशनल बिहेवियर एंड फियर को इजीली दूर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, फोबिया इज नॉट दैट मच सिंपल थिंग लाइक फियर। फोबिया का कारण पता नहीं चलता है, हमें डर लगता है लेकिन किस लिए उस पर डर लग रहा है उसका कारण नहीं पता चलता है। फोबिया इज वेरी मच इरेशनल बिहेवियर, जैसे कि किसी को स्पाइडर से या कॉकरोच से जान लेने वाला खतरा नहीं है, फिर भी वो कॉकरोच या स्पाइडर के सामने आने से उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है, पसीना आता है और जैसे भी हो वो लोग उस सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहते है। सो फोबिया इज एन इंटेंस फियर रिएक्शन टू ए पर्टिकुलर थिंग और ए सिचुएशन। फोबिया जिस चीज में हो उनके प्रेजेंस में वो पर्सन रह ही नहीं सकता है, उसका शरीर स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। लाइक उसको उल्टी आ सकता है, पसीना आता है, आदमी बेहोश हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फियर एंड फोबिया। फियर में हमें डर लगने का कारण पता रहता है लेकिन फोबिया में हमें खतरा नहीं है जानते हुए भी हम उसको फेस कर नहीं पाते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो पे फोबिया के कुछ कॉमन टाइप्स एंड फियर एंड फोबिया को कैसे दूर करें उसके बारे में बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।